हेलो एवरीवन, आज मैं आपको रीढ़ की हड्डी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो जगदीश चंद्र माथुर जी की लिखी हुई है। वैसे यह एक व्यंग्य एकांकी है। इसमें विवाह की संबंधी समस्या को बताया गया है और जो लड़की है उसका नाम उमा है। वह लड़की बीए पास है। प्रेमा लड़की की माँ है, रतन घर का नौकर है और आज उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आने वाले हैं। बहुत ही रोचक कहानी है कि उमा की क्या शंकर से शादी होगी और अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। रामस्वरूप उमा के पिता हैं और सभी सदस्य घर की तैयारियों में लगे हुए हैं, घर को सजाने में लगे हुए हैं। एक तख्त पर सफ़ेद चादर बिछा दी गई है, उस पर हारमोनियम, सितार और सभी संगीत का सामान सजा दिया गया है क्योंकि इस तख्त पर उमा की संगीत की परीक्षा होगी। प्रेमा ने नाश्ते की सभी वस्तुएं टेबल पर सजा दी। नौकर मक्खन लेने चला जाता है। रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा को कहते हैं कि वह उमा को कहे कि सज संवर कर आए, लेकिन उमा मुंह फुलाए बैठी है क्योंकि उसे दिखावा पसंद नहीं है और वह नहीं चाहती है कि इस तरह लड़के वालों के सामने उसे किसी वस्तु की तरह दिखाया जाए। उमा की माँ इस बात से बड़ी परेशान होती हैं, लेकिन फिर भी वो कैसे तैसे करके उमा को मना लेती हैं। और उमा अगर यहाँ पर देखें तो बीए पास है और लड़का मैट्रिक बताया गया है। रामस्वरूप ने अपनी पत्नी को समझा दिया था कि जब वर पक्ष वाले आएं तो उमा को सजा संवार कर भेजे, लेकिन उमा को पाउडर आदि वस्तुएं प्रयोग करने का कोई शौक नहीं है। तभी शंकर और गोपाल बाबू आ जाते हैं। गोपाल बाबू की आंखों से लोक चतुराई टपकती रहती है, यानी वह बहुत ही चतुर किस्म के आदमी हैं और उसकी आवाज़ से ही पता चलता है कि वह बहुत ही लालची इंसान है। हालांकि वह दिखावा करता है कि वह बहुत ही शरीफ और सीधा अनुभवी इंसान है। शंकर सीखे निपोरने वाले नौजवानों में से एक है, यानी कि हमेशा दांत दिखा के ही करके बातें करना। उसकी आवाज़ पतली है और कुछ खिसियाहट सी है और कुछ उसकी कमर जो है वो झुकी हुई है, झुकी हुई कमर है। रीढ़ की हड्डी उसकी शायद टूटी हुई होगी, आई थिंक सो। तो बाबू रामस्वरूप उन्हें बहुत ही आदर भाव से कमरे में ले आते हैं। बातचीत करते हुए रामस्वरूप ने शंकर की शिक्षा के विषय में जानकारी प्राप्त की। बाबू गोपाल प्रसाद ने बताया कि शंकर एक साल बीमार पड़ गया था और इस उम्र में काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं। वे कहते हैं कि एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर भी जो खाने बैठते तो भूख वैसी की वैसी। पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे तो 12-12 घंटे की सीटिंग हो जाती थी। बातचीत करते हुए गोपाल प्रसाद ने पूछा कि आपकी बेटी तो ठीक है, उसकी पढ़ाई लिखाई के विषय में जो सुना है वह तो गलत है ना? साफ बात है कि हमें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो हमें बनाकर नहीं रखनी है, हमें तो घर का काम करवाना है। अब यहाँ पर गोपाल प्रसाद जो है बड़ी ही चालाकी और चतुराई अपनी दिखा रहा है। नाश्ता खत्म हो जाता है और उमा वहाँ पर आती है। अब उमा के साथ क्या होता है कि वह सीधे साधे कपड़े पहनकर आती है, गर्दन झुकी हुई है। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें झुकाकर देखता है। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को दे देती है और जब वह मुंह पर उठाती है तो नाक पर रखा हुआ चश्मा उसे दिख जाता है। बाप बेटा दोनों एक साथ चौंककर कहते हैं, चश्मा? तो बाबू रामस्वरूप बात को संभालते हुए कहते हैं कि पिछले महीने इसकी आँखें दुखनी आ गई थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। बाबू गोपाल प्रसाद उमा को बैठने के लिए कहते हैं। वह उससे गाने बजाने के बारे में पूछते हैं। रामस्वरूप उमा को एक आध गीत सुनाने के लिए कहते हैं। उमा मीरा का भजन सुनाती है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। सभी लोग गीत में मग्न हो जाते हैं। अब उमा शंकर को पहचान चुकी है और वह गाते गाते रुक जाती है। क्या पहचान लिया उसने, देखते हैं। उमा उठने को हो जाती है तो उसे रोक लिया जाता है।
फिर गोपाल प्रसाद उसे पेंटिंग और सिलाई के बारे में प्रश्न पूछने लग जाते हैं। गोपाल प्रसाद उसे और भी अन्य शिक्षा आदि के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और सारे प्रश्नों के उत्तर उमा के पिता देते हैं। तब गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़की के क्या मुंह नहीं है, उसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। अचानक उमा बोलती है, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा वरना। रामस्वरूप के रोकने पर भी उमा कहती है, जो ये लोग खरीदार बनकर आए हैं इनसे पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या वो भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई की तरह देखभाल करके खरीदा जाए। वह फिर कहती है, क्या हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, और आप जरा अपने इन साहेबजादे से पूछिए कि ये फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों घूम रहे थे और वहाँ से इन्हें भगा क्यों दिया गया। इस पर गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। तब उमा कहती है, जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैं बीए पास हूँ, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, ना ही आपके पुत्र की भांति मैंने ताक झांक कर कायरता दिखाई है, मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है। और इनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। गोपाल प्रसाद और शंकर इतना अपमान सहन नहीं कर सकते और चलने लगते हैं। तभी उमा कहती है, जी हाँ जाइए, जरूर जाइए, लेकिन घर जाकर यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन। उमा के इन शब्दों से गोपाल प्रसाद के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह निराश होकर के बाहर चला जाता है। शंकर का चेहरा भी रुआसा हो जाता है, रामस्वरूप भी कुर्सी पर धम से बैठ जाता है। उमा सिस्कियां भरने लगती है, तभी रतन मक्खन लेकर आता है। इस प्रकार से इस एकांकी का अंत करुणाजनक स्थिति में होता है। अगर आपके इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।